नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिवाली से पहले दिल्ली के बड़े बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। खासतौर से सदर बाजार और करोल बाग में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लग रही है। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से ही सतर्क है, ताकि जो लोग खरीदारी या किसी भी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल नवरात्र से ही दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। विशेष आयुक्त ट्रैफिक SS यादव के मुताबिक उनके विभाग का काम लगातार चलता रहा है। ट्रैफिक जाम कम से कम लगे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, यही उनकी कोशिश होती है। धनतेरस और दिवाली के दिन ट्रैफिक पुलिस के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, धनतेरस के दिन बाजारों में भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लोग या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घरों से निकलें, या फिर अगर अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो पार्किंग में ही अपनी गाड़ी को खड़ी करें। आपको बता दें, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस भारी जुर्माना भी लगा रही है। धनतेरस के दिन यातायात पुलिस संभावित भीड़ वाले इलाकों के अतिरिक्त टीमें भी तैनात करेगी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम लगने की संभावना है, इनमें लाजपत नगर, करोल बाग, शंकर रोड, सदर बाजार, चांदनी चौक, ओल्ड रोहतक रोड, ITO क्रॉसिंग और सरोजनी नगर जैसे इलाके शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी सूचना जारी करते हुए कहा है कि धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के पर्व पर शहर के विभिन्न बाजारों में वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था और डायवर्जन नियमानुसार किया जाएगा। सभी वाहन चालक धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के अवसर पर यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करें। यातायात संबंधित असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ, अगर आप अगले 3 दिन घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो देखकर जाएं। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।